तर उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अयोध्येमध्ये जाणार, त्यांच्या खासदारांना घेऊन त्याबद्दल सध्या संजय राऊत बोलतात, आपण जाऊयात थेट तिथे। और हम जाएंगे सरकार के 100 दिन होने के बाद, हमारे हाथ में कुछ ठोस होगा कि हमने कुछ करके दिखाया 100 सालों में, 100 दिनों में जो काम चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो जनता के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समर्पित है। तो हम उस सभी का ब्यौरा लेकर अयोध्या में जाएंगे और प्रभु श्री राम के चरणों में रखेंगे। ये छोटा सा कार्यक्रम है, वहां हम फिर शरीर पर आरती करेंगे और भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जाएंगे हमारे, ये तय है। तो क्या नाराज नहीं होंगे? क्यों नाराज होंगे? ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है ना, ये तो सबकी आस्था श्रद्धा का विषय है हमारे। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे साथ जो हमारा अलायंस के मंत्री है वो भी हमारे साथ आए, उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी जी भी मंदिर में जाते हैं, सोमनाथ मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, ये श्रद्धा है हमारी। उसमें सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलते सरकार, ये थोड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च उसका ऊपर सरकार नहीं चलती। सरकार तो रोटी कपड़ा मकान सोशल जस्टिस रोजगार ये मुद्दे पर चलेगी। आखिरी सवाल क्या, कब जाएंगे? जिस दिन सरकार को 100 दिन पूरे हो गए उस दिन हम अयोध्या में रहेंगे, आप गिन लीजिए। धन्यवाद। तर आताच आपण बघितलं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता अयोध्येमध्ये जाणार आहेत, त्याबद्दल संजय राऊत या ठिकाणी बोलत होते।